सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। रॉकेट, जी हाँ, इस शब्द का अलग अलग मतलब हो सकता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि रॉकेट लंबा पतला और गोलाकार यान होता है। वे सोचते हैं कि रॉकेट को सिर्फ स्पेस में भेजा जाता है। वैसे रॉकेट का मतलब एक तरह का इंजन होता है। इसका मतलब ऐसा यान भी होता है जो उस इंजन का इस्तेमाल करता है। जेट इंजन से अलग होता है। रॉकेट इंजन जेट इंजन के मुकाबले रॉकेट इंजन थोड़ा अलग होता है। जेट इंजन हवा से ऑक्सीजन लेकर काम करता है, जबकि रॉकेट इंजन अपने साथ हर वह चीज़ लेकर चलता है जिसकी उसे ज़रूरत होती है। रॉकेट इंजन अंतरिक्ष में भी काम करता है जहां हवा नहीं होती है। जी हां, आपको बता दें, रॉकेट इंजन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कुछ इंजन तरल ईंधन का इस्तेमाल करते हैं। स्पेस शटल ऑर्बिटर के मुख्य इंजन तरल ईंधन का उपयोग करते हैं। रूस का सुयोग भी इसी ईंधन का इस्तेमाल करता है। अन्य रॉकेट इंजन में ठोस ईंधन का उपयोग किया जाता है। आपको बता दें, स्पेस शटल के किनारे में दो सफ़ेद ठोस रॉकेट बूस्टर्स होते हैं। वे भी ठोस ईंधन का इस्तेमाल करते हैं। आतिशबाजी में इस्तेमाल होने वाले पटाखे या रॉकेट और मॉडल रॉकेटों में ठोस ईंधन का इस्तेमाल होता है। रॉकेट इंजन कैसे काम करता है, जी हाँ, आइए जानते हैं। आपको बता दें, रॉकेट इंजन भी अन्य इंजनों की तरह काम करता है। वह ईंधन को जलाकर थ्रस्ट पैदा करता है। थ्रस्ट का आम शब्दों में मतलब होता है धक्का। जी हाँ, यानी वह यान को आगे बढ़ाने के लिए धक्का देता है। ज़्यादातर रॉकेट इंजन ईंधन को गर्म गैस में बदल देता है। इंजन इस गैस को पीछे की ओर छोड़ता है, जिससे रॉकेट आगे की ओर बढ़ता है। अंतरिक्ष में कुछ ऐसा नहीं होता जिसे धक्का देकर इंजन आगे बढ़े। ऐसे में यह सवाल उठता है कि फिर रॉकेट आगे कैसे बढ़ता है। रॉकेट न्यूटन के गति के तीसरे नियम के आधार पर काम करता है। इस नियम के मुताबिक हर क्रिया की बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। रॉकेट का इंजन गैस को बाहर की ओर धक्का देता है। इस प्रक्रिया में गैस भी बराबर ताकत से आगे की ओर रॉकेट को धक्का देती है। इससे रॉकेट आगे की ओर बढ़ता है। रॉकेट का आविष्कार कब हुआ, जी हाँ, इसी के साथ आपको बता दें कि ऐसा माना जाता है कि 12वीं सदी के आसपास चीन में रॉकेट का आविष्कार हुआ। इन ठोस रॉकेटों को आतिशबाजी के लिए इस्तेमाल किया जाता था। युद्ध में सेनाओं द्वारा भी उनका इस्तेमाल किया जाता था। 13वीं सदी में इन रॉकेटों का एशिया और यूरोप के ज़्यादातर हिस्से में आतिशबाजी और युद्धों में इस्तेमाल होने लगा। अगले 600 सालों में लोगों ने बड़े और बेहतर ठोस रॉकेट विकसित किए। इनमें से ज़्यादातर का इस्तेमाल सेनाओं द्वारा किया जाता था। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।